हाँ जी, सो वेलकम ऑल. वी वर देयर डूइंग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स. वी वर डूइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड इन द लास्ट क्लास. तो हमने जो प्रॉपर्टीज की थी, अभी हमारी प्रॉपर्टीज कुछ लेफ्ट आउट रह गई थी, जिनमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एसिड की, एंड दैट इज न्यूट्रलाइजेशन. अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसके नाम में ही इसकी जो आइडेंटिटी है वो छुपी हुई है. न्यूट्रलाइजेशन मतलब ना कि किसी पार्टी की तरफ है ना दूसरी पार्टी की तरफ है, ये न्यूट्रल है. ठीक है, तो इसका क्या मतलब बना, ये जो एक रिएक्शन होती है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक फॉर एन एसिड एज वेल एज फॉर अ बेस. ठीक है, अब इसमें रहता क्या है कि एक एसिड रिएक्ट विद अ बेस. जब एक एसिड और एक बेस दे रिएक्ट विद ईच अदर, दे न्यूट्रलाइज ईच अदर्स इफेक्ट, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट एंड रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ओके बेटा, whenever an acid and a base they react with each other, they'll form a salt along with release of water. This salt does not mean your kitchen wala salt. Okay, please keep this thing in mind. Although you already have done this chapter in 8th class also, lekin hamare dimag mein salt jab aata hai hum hamesha wo namak soch lete hain. It is not namak, it is a compound of metal and non metal, usko bhi hum salt bolte hain. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जो रिएक्शन ली है, दैट इज NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड. व्हेन दे रिएक्ट दे गिव मी अ सॉल्ट व्हिच इज NaCl अलोंग विद रिलीज ऑफ वाटर. अब देखो इसमें क्या हुआ, ये OH और H ये आपस में मिल गए, तो ये H2O बना दिया इन्होंने. Na और Cl ये आपस में मिल गए, तो इन्होंने क्या बना दिया, NaCl. ओके बेटा, क्लियर है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. नेक्स्ट इज योर एक मेटल ऑक्साइड किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर. अब बेटा ये भी एक तरह से आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, क्योंकि जो आपके ये मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ना, दे आर एक्चुअली बेसिक इन नेचर, जैसे NaOH सॉरी CuO NaO. तो ये क्या है, ये इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है मेटल ऑक्साइड्स का. तो जब भी ये किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, दे विल फॉर्म एनी सॉल्ट, द कोरस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, अब कॉपर ऑक्साइड जब ये देखो ब्लैक कलर का है, व्हेन इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आर सॉल्ट फॉर्म विल बी क्यूप्रस क्लोराइड प्लस वाटर. अब ये जो क्यूप्रस क्लोराइड है, इट विल बी ब्लू ग्रीन कलर. तो चेंज क्या आया बेटा कलर में, ब्लैक से ब्लू ग्रीन में हो गया. ठीक है बेटा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा बेस है, विच इज योर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. ये आपकी इनडाइजेशन को रिमूव करता है, इट्स बेस. तो उसमें हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो है इंपैक्ट उठाते हैं, क्योंकि हमारे स्टमक में क्या रिलीज हो रहा है, HCl. HCl जो है एसिडिक होता है, और ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज बेसिक. सो व्हेनेवर एन एसिड एंड अ बेस दे रिएक्ट विद ईच अदर, ऑब्वियसली दे न्यूट्रलाइज ईच अदर्स इफेक्ट. सो देयरबाय आपकी जो एसिडिक मेमोरी है वो कम हो जाती है. अब ये जो एसिड्स होते हैं, दे हैव दिस corrosive nature होता है, और आप इनको कभी भी मेटल कंटेनर्स में नहीं रख सकते हो, बिकॉज ऑफ द corrosion इफेक्ट. corrosion इफेक्ट आता है, रिएक्शन हो जाएगी, सॉल्ट बन जाएगा, तो आप कैसे इसको किसी मेटल कंटेनर में रखेंगे. ये एक क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जैसे सपोज आपके पास HCl है, क्या आप HCl को एल्यूमिनियम कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो? नो, वी कांट, बिकॉज एन एसिड इज corrosive इन नेचर एंड इट विल readily react with the metal. तो मटेरियल के साथ रिएक्ट करके इट विल फॉर्म सॉल्ट. तो हमारे लिए एक तो हमारा एसिड खराब हो गया, दूसरा हमारा कंटेनर भी खराब हो गया. सो बेटा, अगर मुझे अब एसिड को एक केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना है, तो हाउ विल आई डिफाइन एसिड. एसिड बेटा, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स. डिसोसिएट्स का मतलब होता है इट ब्रेक्स डाउन. ओके, डिसोसिएट कर जाता है किसमें, इनटू हाइड्रोनियम आयंस. और कैसे डिसोसिएट करता है, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, व्हेन अ सब्सटेंस इज बीइंग डिसॉल्वड इन वाटर, इट डिसोसिएट्स टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस. इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन. ओके, H3O प्लस नेगेटिव. क्लियर बेटा, अब इसी की जो प्रेजेंस होती है, दैट इज द रीजन बिहाइंड द एसिडिक प्रॉपर्टी एक्सपोजर. ठीक है जी, जो भी एक आपका सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है, वो एसिडिक है, तो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि इट इज एबल टू प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयंस. सो एसिड के लिए होना का एक कंडीशन क्या है, कि देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयंस व्हेन इट इज डिसोसिएटेड. ओके, क्लियर हुआ. सो हाइड्रोनियम आयंस दे आर
बेटा जो हाइड्रोनियम आयन होते हैं, कोई भी एसिड होगा या हम कह लेते हैं एक केमिकल कंपाउंड है, जब हमने उसको वाटर में डिजोल्व किया एंड इट ब्रोक डाउन इनटू हाइड्रोनियम आयंस एंड अदर आयंस, मतलब मेन हमारे लिए क्या है, हाइड्रोनियम आयंस, ओनली देन वी कैन क्लासिफाई दैट सब्सटेंस एज एन एसिड. तो उसकी जो एसिडिक प्रॉपर्टीज आएंगी वो क्यों आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोनियम आयन. क्लियर बेटा? सो दीपांशु क्लियर हो गया बच्चे? यस मैम. ओके क्लियर. ओके जी, अब बेटा देखो एक इसमें जो एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज बनती है, मैंने आपसे अभी बोला कि कोई भी हम एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं और उसमें अगर हाइड्रोनियम आयन बनते हैं तो वो एक सब्सटेंस को हम एसिड बोलते हैं. अब अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज या अल्कोहल ले रहे हैं, इनका कोई भी एसिडिक इफेक्ट नहीं आता, दे डोंट एग्जिबिट एनी काइंड ऑफ एसिडिक. क्यों नहीं दिखा रहे एसिडिक कैरेक्टर? बिकॉज देयर इज नॉन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस. क्योंकि जब ये पानी में डिसॉल्व हुए, दे डिडंट शो डिसोसिएशन, उन्होंने दिखाया ही नहीं कि दे कैन प्रोड्यूस हाइड्रोनियम आयंस, दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस दोस हाइड्रोनियम आयंस, सो देयर वाज नो आयंस, सो दे डोंट शो एसिडिक कैरेक्टर. ठीक है, मैंने आपको यही बात बोली थी कि अगर कोई सब्सटेंस जब वाटर में डिसॉल्व करता है एंड इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयंस, ओनली देन इट विल बी एबल टू एग्जिबिट एसिडिक कैरेक्टर. तो ग्लूकोज और अल्कोहल, ऑल्दो दे आर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब ये बहुत जल्दी से घुल मिल जाते हैं पानी में, बट स्टिल दे डोंट शो एसिडिक बिहेवियर. क्यों? क्योंकि दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोनियम आयंस व्हेन डिसॉल्वड इन वाटर. क्लियर बेटा? अब एक स्टेटमेंट है जिसको आपने मुझे समझाना है, तनिषा आपने. ओके बेटा, जरा उस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनो. ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन. Okay, but all hydrogen containing compounds are not acids. ठीक है, जितने भी मेरे एसिड होते हैं, मैंने अभी ये बात बोली कि वो क्या करेंगे, वो हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे. तो हमने एक ये जर्नल स्टेटमेंट दिया, although this is not 100% correct, but ये कहा जाता है कि all acids they contain hydrogen. जैसे आप लगा लो कोई भी एसिड आपके दिमाग में आता है, HCl, H2SO4, HNO3, सब में H आ रहा है, right? बट जितने भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, दे आर नॉट एसिड. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, अल्कोहल, इन सब में एच होता है, वाटर उसमें भी एच है, पर वो एसिड नहीं है. तो क्या इसका क्या मतलब बना? क्या आप इस स्टेटमेंट को समझे? कि सभी एसिड में हाइड्रोजन होता है, ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन हो गया वो एसिड है. नो, न्यूट्रल भी हो सकता है. यस, हमें हाइड्रोजन की प्रेजेंस इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर टर्मिंग अ कंपाउंड एज एन एसिड. कंडीशन क्या है कि वो हाइड्रोनियम आयंस बनाए. क्लियर हुआ शीतल? एक कंपाउंड हाइड्रोजन का होना इज नॉट नेसेसरी. ठीक है, हमें नहीं चाहिए, है तो ठीक है, वो हाइड्रोनियम आयन तो तभी बनेगा, लेकिन अगर होने के बाद वो हाइड्रोनियम आयन बना ही नहीं रहा तो हम उसको एसिड नहीं बोल सकते. फॉर एग्जाम्पल योर ग्लूकोज, योर वाटर, वाटर जो है H2O, उसके पास तो हाइड्रोजन भर भर के है, लेकिन फिर भी वो हाइड्रोनियम आयन थोड़ी ना बनाता है, तो नहीं बनाता हाइड्रोनियम आयन, बिकॉज इट्स नॉट एन एसिड अंटिल एंड अनलेस हम उसमें कोई एसिड ना ऐड करें. अगर आप उसमें थोड़ा सा एसिड ऐड करोगे तो इट विल बी टर्म्ड एज एसिडुलेटेड वाटर, तब वो एसिड बन जाता है. ओके, एसिडिक बिहेवियर शो करता है, इट इज नॉट लाइक कि वो एसिड बन गया. नो, इट विल शो सम काइंड ऑफ एसिडिक बिहेवियर. यस, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तब वहां पे यूज होता है. तो ये चीज आप दिमाग में रखोगे कि अगर मैंने ये कॉन्सेप्ट है अगर कि हमारे एसिड्स जो हैं वो हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, तो तभी बनाते हैं जब एच होगा उनके पास, लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर एच कंटेनिंग कंपाउंड इज एन एसिड. ओके, अब बेटा देखो कोई भी एसिड होगा ना, उसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. ठीक है बेटा, कोई भी एक्वस सॉल्यूशन अगर हम किसी भी एसिड का लेते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा. दीपांशु, यू टेल मी व्हाट इज द मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है? रेन वाटर. नहीं, कोई भी हम एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं, हमें उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करनी है. ठीक है, तो हाउ केन आई टर्म एन एक्वस सॉल्यूशन टू बी अ गुड कंडक्टर और अ बैड कंडक्टर? या मुझे कैसे पता लगेगा कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या नहीं होगी? क्या कंडीशन होती है?
मैम अगर उसमें नमक होएगा तो वो होएगी एकदम से। फाइन, तो ये नमक से क्या मतलब क्या कहना चाहते हो? नमक तो ठीक है आपकी बात, वाटर में अगर मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूं, मतलब मैंने सॉल्ट का एक वो सॉल्यूशन बना दिया। ओके फाइन, गुड। हां जी हां जी, दोबारा बोलो। इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर होता है ना, सॉल्ट सॉल्ट होता है, थोड़ा सा रॉन्ग है बेटा। आधी बात याद है आधी नहीं याद है आपको। हां जी शीतल, आप कुछ बोल रहे हो? यस ओके बेटा, देखो एक्वस सॉल्यूशन जो होगा इट विल डिसोसिएट इनटू आयन, वो आयंस बनाता है। सो प्रेजेंस ऑफ दोज आयंस इज रियली नेसेसरी फॉर कंडक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी कंडक्शन करना है आपके पास ये आयंस होना बहुत जरूरी है। सो ये तभी होता है जब हम उसका एक्वस सॉल्यूशन, जब आपने सॉल्ट लिया, आप किचन में सॉल्ट पड़ा होता है, अब उसमें से तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, लेकिन जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व कर लेते हो देन इट विल फॉर्म आयंस। आयंस बनाता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। इसी तरह अगर आप ये देखते हो कि जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर मतलब बिल्कुल प्योर वाटर, वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? हाँ जी तनीषा, क्यों नहीं करता बेटा? क्योंकि उसके पास कोई भी आयनिक कंपाउंड उसके अंदर डिसॉल्व होते ही नहीं है, इसीलिए इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिमिलरली अगर आप रेन वाटर को देखते है, वो भी वाटर, लेकिन वो क्या है, इट विल बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर काफी सारे कंपाउंड्स आ गए। यस, जो आप आगे ब्रेक डाउन करेंगे अंदर डिसोसिएट इनटू आयंस रिजल्टिंग इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर बेटा, समझ आ गई? अब जब ये हम लास्ट क्लास में हम लेक्चर ये कर रहे थे, तो आई हैड टोल्ड यू कि जो एसिड है हम उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। नाउ व्हाट आर स्ट्रॉन्ग? हमने कहा था जो बहुत पावरफुल होते हैं, विच आर यू नो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, अपना उनका जो इफेक्ट आता है वो काफी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आता है। अब हम इसको डिसोसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करते हैं कि व्हाट आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड व्हाट आर वीक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है? दे कंप्लीटली आयनाइज देमसेल्व्स और ये अपने आप को कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं इनटू हाइड्रोनियम आयंस। देयरफॉर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल HCl, HNO3, H2SO4, ये आपके बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। नाउ कम्स वीक एसिड। अब वीक एसिड में क्या है? देखो बेटा, वीक एसिड मतलब दे विल शो पार्शियल आयनाइजेशन। पार्शियल आयनाइजेशन मतलब आधे अधूरे मन से काम करते हैं ये। ओके, आधा डिसोसिएट हुए, आधा नहीं, ठीक है यार चल रहा है। ओके फाइन, तो क्या होता है, हाइड्रोनियम आयंस बड़े थोड़ी अमाउंट में बनते हैं। सो देयर इज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? दे आर टर्म्ड एज वीक एसिड। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, आपके जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, वो आपके वीक एसिड्स में आते हैं। कार्बोनिक एसिड, क्योंकि आप ये देखो जैसे सिट्रस एसिड है, सिट्रिक एसिड है, वो आप खा पा रहे हो, लेमन आप लेते हो ना, सिट्रस फ्रूट्स में भी होता है। सो वो जो है दे आर वेरी वीक, उनमें आयनाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं होती, इट्स वेरी पार्शियल, सो देयर स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी वीक। बट इन केस ऑफ मिनरल एसिड्स दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे शो कम्प्लीट आयनाइजेशन। वो अपने आप को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर देते हैं एंड दे फॉर्म अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। क्लियर बेटा? चलिए अब हम बात करते हैं इनके, ठीक है, यूजेस क्या है बेटा। अब एसिड है, वैसे तो दिमाग में आता है एसिड के क्या यूज होंगे, कोई यूज नहीं होते। नो, दे आर यूजफुल बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल योर सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने पहले भी बताया था इट इज नोन एज योर किंग ऑफ केमिकल्स, और ये आपके ज्यादातर यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स बनाने के काम में आता है, पेंट्स में काम आता है, डाइज बनाने में काम आता है। क्लियर? देन यू हैव नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रिक एसिड है वो भी फर्टिलाइजर्स बनाने के काम में आता है, एक्सप्लोजिव बनाने के काम में आता है, डाइज एंड स्टिक्स। ठीक है बेटा, देन आपका जो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये काफी एक बड़ा यूजफुल सा एसिड है। जैसे किसी भी स्टील ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हमें ऑक्साइड फिल्म जो है वो रिमूव करनी है, तब आप इसका सहारा ले सकते हो। या फिर जो बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं ना, जहाँ पे हम पानी को बॉयल करते रहते हैं लगातार, या कोई मटेरियल बॉयल होता रहता है, तो वहां पे ना अंदर व्हाइट कलर की लेयर चिपक जाती है, तो उस लेयर को हटाने के लिए, दैट स्केल, उस व्हाइट से जो लेयर होती है उसको स्केल बोला जाता है, दैट इज द सॉल्ट्स। जो पानी के अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो सब वहां चिपक जाते हैं। अगर हम भी अपने घरों में पानी को बॉयल करते हैं,
तो वो जो जिस आप यूटेंसिल में पानी को बॉइल करोगे ना बेटा, उसमें भी व्हाइट कलर की एक लाइन बन जाती है, दैट इज द डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट्स दैट वाटर इज कैरिंग. तो वो धीरे धीरे विद टाइम अगर आप सेम यूटेंसिल यूज करते रहोगे तो वो काफी ज्यादा डिपॉजिट हो जाता है. तो उसको बार बार हटाना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, हीट एनर्जी वेस्ट होगी, क्योंकि वो तो फिर ब्लॉक कर रहा है ना हीट को. तो उसको रिमूव करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ HCl. ठीक है, तो ये आपके काफी यूजफुल रहते हैं एसिड्स, और इनके यूजेस को आपको याद भी करना है. ओके ठीक है बेटा. So now we will proceed on to bases. अब हम बात करते हैं acids का counterpart, which is bases. अब bases जो हैं, अगर आप बात करते हो bases normal, जितनी information अभी हमें है, वो क्या है बेटा? They are the chemical substances which have got the bitter taste. कड़वे होते हैं ये, ठीक है? They can change the color of red litmus to blue. ये red को blue में convert कर देते हैं. या हम कह सकते हैं they are the chemical substances which can neutralize any acid. ओके ये क्या दिखाते हैं? एक न्यूट्रलाइज इफेक्ट दिखाते हैं. जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, मैंने अभी पीछे भी बात की आपसे कि जितने भी मेटल ऑक्साइड हैं या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, दोनों दे आर बेसिक. ओके वो बेसिक होते हैं. क्लियर बेटा? मेटल ऑक्साइड्स या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड्स, दोनों के दोनों बेसिक होते हैं. मतलब दे आर बिटर इन टेस्ट, दे विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू. ओके एंड दे विल फॉर्म हाइड्रोक्सिल आयंस. इसमें आपका हाइड्रोनियम आयन नहीं बनता, इसमें OH नेगेटिव आयन बनता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे. फिर होता है बेटा कुछ ऐसे बेसिस होते हैं विच आर वेरी रेडली सोल्युबल इन वाटर, उन्हें हम बोलते हैं एल्कलीज. क्या बोलते हैं बेटा? एल्कलीज. एल्कलीज. मैं एक टर्म बोल रही हूँ, एक स्टेटमेंट दे रही हूँ जिसे मुझे तनिषा समझाएगी. ओके तनिषा, ऑल एल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज. यस नाउ मुझे इसको समझाओ. ऑल एल्कलीज, यस इसका मतलब समझाओ. ऑल एल्कलीज आर बेसिस, ठीक है, बट ऑल बेसिस आर नॉट एल्कलीज. यस फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एल्कली? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यस दे आर वाटर सोल्युबल बेसिस. इसका मतलब आप एल्कली जो है वो एक बेस है. क्लियर होगी बात? तो ऑल एल्कलीज आर बेसिस. पर जरूरी नहीं है सारे बेस. यस दैट इज द पॉइंट. जरूरी नहीं है सारे बेस, वो वाटर में सोल्युबल होंगे. सो ऑल बेसिस दे आर नॉट लाइक कंपल्सरीली टोल्ड टू बी डिसॉल्वेबल इन वाटर. जो बेसिस सोल्युबल होंगे सिर्फ वही एल्कली कैटेगरी में आएंगे, बाकी सारे क्या रहेंगे? बेसिस ही रहेंगे. अब बेटा अब हम इसको कैसे पहचानते हैं? हमने एसिड के लिए तो बोला कि भाई जो हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं ना, दोज आर कॉल्ड एज एसिड्स. एल्कली या फिर बेसिस की बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है? जब हम इस सब्सटेंस को, व्हेन यू डिसॉल्व दिस इन वाटर, it will dissociate to form OH negative ion. Please keep this thing mind. This is OH negative ion which is called as hydroxyl ion. क्या बोलते हैं इसको? Hydroxyl ion. Acid क्या बनाते हैं बेटा? Hydronium ion. Bases क्या बनाते हैं? Hydroxyl ions. Okay? दोनों ने पानी में ही dissolve करना है, पानी में ही ionization show करनी है, लेकिन दोनों का end product जो है वो अलग है. एसिड जो है हमें हाइड्रोनियम आयन बना के देता है, जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन बनेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है. सिमिलरली जितने ज्यादा हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस होंगे उतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है. क्लियर हो गया दीपांशु? एक बार दोबारा बताना. मैं अभी आपसे ही पूछूंगी बेटा, रुको. हाँ जी दीपांशु बेटा, आप मुझे बताओ एसिड जब पानी में डिजोल्व करते हैं कौन से आयन बनाते हैं? यस बेटा. मैम केटाइन. अरे केटाइन कहाँ से आ गए? Whoever is guiding you, tell the person I'm asking, acids जो है जब वो आयनाइज करते हैं तो कौन से आयन्स बनाते हैं? यस तनिषा. हमें नहीं पता. तो सुन नहीं रहे हो ना, फिर पिटान पड़ेगी. हाँ जी तनिषा बेटा. मैंने पूछा एसिड्स जब वाटर में आयनाइजेशन शो करते हैं तो कौन से आयंस बनाते हैं? एसिड्स. एसिड. एसिडिक आयन. कौन से आयन? शीतल आप बताओ कौन से आयंस बनाते हैं? हाइड्रोलिक. हाइड्रोनियम. यस. लिखा कहाँ पे है?
पिछले पेज पे था ये, मैं आपसे एसिड का पूछ रही हूँ, एसिड कैसे बनाते हैं? हाइड्रोनियम आयन। और बेसिस क्या बनाते हैं? बेसिस क्या बनाते हैं बेटा? हाँ जी, कौन से आयन बनाते हैं व्हेन दे शो आयनाइजेशन? हाइड्रोक्सिल। वो कौन से बनते हैं? ये हाइड्रोक्सिल। यस, अब इसको याद रखो, ठीक है दीपांशु? यस दीपांशु बेटा, एसिड्स कौन से आयन बना रहे हैं? हाइड्रोनियम। काइंडली रिपीट दिस स्टेटमेंट। एंड बेसिस जो है, they are liberating hydroxyl ions. हाँ जी, अब मुझे बताओ acids कौन से ions बनाते हैं? Hydronium. Hydronium. Okay. And bases? Hydroxyl. Yes, hydroxyl, OH negative. अगर आपको नाम नहीं याद रहता, you can learn the symbol also. Like acid जो होते हैं वो H3O plus, ठीक है? और OH negative बनाते हैं bases. Sheetal, now you repeat बेटा. Acid कौन से ions बनाते हैं? Hydronium. Yes, hydronium. And what's the symbol of hydronium? It is H3O positive. बेटा sometimes आपको book में ना H plus भी दिखेगा, ठीक है? वो ये लिखा जाता है कि acid जो है they break down to form hydrogen ions. Okay? लेकिन वो जो hydrogen ion होता है ना बेटा, it is highly 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 unstable. वो फटाफट पानी के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना देते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अगर H+ भी लिखा है तो दैट मींस वो हाइड्रोनियम आयन बन रहा है। ओके, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने कि ये क्या, मैम ने तो कुछ और बताया था ना, यहाँ पे तो कुछ और लिखा हुआ है। नो, हाइड्रोजन आयन है, लेकिन हाइड्रोजन आयन जो होता है इट इज हाईली 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 अनस्टेबल। तो वो फटाक से वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके H3O+ बना देता है, ठीक है बेटा? अब बेसिस सेम वही चीज है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक है। जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, नेचुरल सी बात है, वो क्या शो करेगा बेटा? कंप्लीट आयनाइजेशन शो करेगा, ठीक है? स्ट्रॉन्ग बेस विल शो कंप्लीट आयनाइजेशन, दैट मींस देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। फॉर एग्जाम्पल योर NaOH, NaOH इज अ वेल नोन स्ट्रॉन्ग बेस। एंड ऑन द सिमिलर लाइन्स जो आपके वीक बेस होते हैं बेटा, वो क्या करेंगे बेटा जी? They will show partial ionization. वो partial ionization दिखा show करते हैं, and उसके मतलब क्या होता है कि there will be very less amount of hydroxyl ions formed. For example, your ammonium hydroxide. अब बेटा देखो इनकी properties देखते हैं, basis properties कर लेते हैं, so that it is done. Now, first of all, very first property is your bitter taste. कड़वे होते हैं, right? They are bitter to taste. Then they are very soapy to touch. ओके, दे आर वेरी सोपी। साबुन को जैसे आप टच करते हो ना, वैसे ही आपको जब आप इसको टच करोगे, यू विल गेट दैट फीलिंग। यस, दे आर वेरी वेरी सोपी टू टच। देन दे विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। इस चीज से तो हम काफी अच्छे से फेमिलियर हैं, रेड से ब्लू। दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज व्हेनेवर दे आर बीइंग देयर इन द एक्वस सॉल्यूशन, तो क्या होता है बेटा, दे ब्रेक डाउन टू फॉर्म आयंस। तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इनकी आ रही है, दैट इज जब भी एक मेटल किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ओके बेटा, जब भी एक बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, इट इज फॉर्मिंग सॉल्ट अलोंग विद अ रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। जैसे NaOH, देखो ये एक हमारा बेस है, ठीक है? इट इज रिएक्टिंग विद जिंक। अब इस रिएक्शन के लिए वी नीड हीट, हमें हीट देना पड़ता है, एंड रिजल्टेंट सॉल्ट इज सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस Na2ZnO2। इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं बेटा? सोडियम जिंकेट। यस, ओके बेटा। देन बेटा एक बार दोबारा बताना बेटा, रिएक्शन है मेटल और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, दे फॉर्म सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। जैसे ये रिएक्शंस याद कर लेना, NaOH plus zinc on heating gives me Na2ZnO2 which is your sodium zincate plus H2. Clear बेटा? अब बेटा ये जो होता है ना, हमने जो रिएक्शन अभी प्रॉपर्टी की कि एक मेटल जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, दिस इज नॉट शोन बाय ऑल द मेटल्स। जिंक और एल्यूमिनियम ऐसे मेटल्स होते हैं जो ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं, अदरवाइज जो है बाकी सारे तो रिएक्ट नहीं करते, ठीक है? देन आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आ गई, सेम, विच इज बेस प्लस एसिड विल गिव मी सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे देखो NaOH प्लस HCl दैट गिव मी NaCl प्लस H2O। तो हम इसे क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यस,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है बेटा बेसिस जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं व्हेन दे रिएक्ट विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड दे विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. अब ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ना बेटा दे आर एसिडिक इन नेचर. तो आप ये देखो ये बेस है ये अगर एसिडिक है तो ये किस तरह की रिएक्शन हो गई बेटा तनिषा बेस प्लस एसिड कौन सी रिएक्शन बोलेंगे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन यस न्यूट्रलाइजेशन. तो इसका क्या शीतल एंड प्रोडक्ट्स क्या होंगे सॉल्ट एंड वाटर. यस सॉल्ट एंड वाटर जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर. ए ओ एच होल ट्वाइस प्लस सीओ टू विल गिव मी सी ए सी ओ थ्री प्लस एच टू ओ. इसमें बेटा जो ये है आपका बेस क्योंकि इसमें क्या है हमारे पास ओ एच है. दिस इज योर नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्योंकि कार्बन जो है इट्स अ काइंड ऑफ नॉन मेटल और ये एसिडिक होता है. सी ए सी ओ थ्री इनका एक सॉल्ट बन गया और अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ वाटर. क्लियर बेटा. नाउ बेटा इसमें यूजेस देख लेते हैं एक बारी. अब NaOH जो है इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर सोप एंड रेयॉन. ठीक है बेटा NaOH जो है ये काफी जगह यूज होता है. सोप बनाने में काम आता है पेपर बनाने में काम आता है रेयॉन बनाने के काम आता है. नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इट इज देयर इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. ये अभी हम इसी चैप्टर में वी आर गोइंग टू डू सॉल्ट्स आल्सो. तो उसके अंदर आपको ये यूजेस आपको पता लगेंगे. यस दे आर देयर और ये सच में यूज हो रहे हैं. नेक्स्ट इज योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये हमने अभी ऊपर भी बात की इट इज देयर एज एन एंटासिड. हम इसको एज एन एंटासिड यूज करते हैं क्योंकि हम कौन सी रिएक्शन यहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं. वी आर यूटिलाइजिंग द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. देन आपका सोडियम कार्बोनेट ये हम इसे एज वॉशिंग सोडा यूज करते हैं. ओके और हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के काम आता है ये. ठीक है एज वॉशिंग सोडा अलॉन्ग विद सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर. क्लियर बेटा. नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट दिस इज NaHCO3. इसे हम एज बेकिंग सोडा यूज करते हैं एज एन एंट एसिड. सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है अलॉन्ग विद बेकिंग पाउडर बनाने के काम में आता है. क्लियर बेटा. यस समझ में आ गया. यस क्लियर. नाउ I just want to show you something. जी हमने प्रॉपर्टीज कर ली थी बेटा इसकी. यस एक बारी हम एसिड की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं. देखो बेटा एसिड की जो प्रॉपर्टीज थी इफ यू रिमेम्बर पहली जो प्रॉपर्टी थी कि दे रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस. ठीक है हमेशा जब भी किसी भी जो एसिड है किसी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं दे विल फॉर्म सॉल्ट अलॉन्ग विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस. ओके सिमिलरली व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट तब ये हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर का मॉलिक्यूल अलॉन्ग विद कोई भी सॉल्ट जैसे यहाँ पे वी आर टेकिंग NaHCO3 plus HCl इट इज रिएक्टिंग एंड व्हाट द रिजल्टेंट इज NaCl plus वाटर plus CO2. जब भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट आ जाता है तब CO2 गैस जरूर रिलीज होगी. ये बात याद रखना कि जब भी कार्बोनेट आया या फिर बाइकार्बोनेट आया हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट ही बोलते हैं. ठीक है जैसे HCO3 या CO3 ओके दोनों केस में आपका CO2 जरूर रिलीज होगा. उसको भूलना नहीं है CO2 को रिलीज करना. ओके बेटा देन ये बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट इफेक्ट ऑफ ईच अदर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर. नेक्स्ट इज जब भी एक एसिड एक मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है एक सॉल्ट बना देता है अलॉन्ग विद वाटर मॉलिक्यूल. सो CuO ये मैंने आपको बताया जो भी मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर बेसिक इन नेचर. तो एक तरह से ये कौन सी रिएक्शन हो गई ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई. क्लियर बेटा. यस समझ में आ गया ना आपको. ओके सो अब है बेटा बेसिस की प्रॉपर्टीज. देखो बेटा जो बेसिस हैं अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि जो हमारे बेसिस हैं दे प्रोड्यूस OH आयंस इन वाटर. OH आयंस मतलब हाइड्रोक्सिल आयंस. दे आर बिटर इन टेस्ट. ये टेस्ट में कड़वे होते हैं. दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स बिकॉज दे आर फॉर्मिंग आयंस. क्योंकि ये आयंस बना रहे हैं इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स. दे आर सोपी टू टच मैंने आपको अभी समझाया था. देन दे शो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एसिड्स resulting in the formation of salt and water.
नेक्स्ट इज बेटा कि जो ये ये जो होता है ना बेसिस बेटा, इनका पीएच हमेशा ग्रेटर देन 7 होता है. अभी आई हैव नॉट टॉट यू पीएच, तो इसीलिए मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊंगी. तो वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज पीएच ओनली. इट विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. ओके, क्लियर हो गया बेटा? आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है. यस, अब हम बात करते हैं बेटा इनके बीच में डिफरेंसेस या फिर कोई इनकी कॉमन चीज क्या है. देखो, आई होप आपको स्क्रीन दिख रही है बेटा. यस, नाउ इट्स विजिबल. यस, चलो बेटा अब हम सबसे पहले ना इनका ये देखते हैं कि लाइक इनकी जो अलग बातें हैं वो क्या है. सबसे पहले तो एसिड जो है वो उनका टेस्ट कैसा था बेटा? देवर सॉर टू टेस्ट, खट्टे थे. लेकिन जो बेसिस थे उनका टेस्ट कैसा है बेटा तनिषा? दे आर बिटर, कड़वे होते हैं. राइट, अब मैम ने टेस्ट बताया इसका मतलब ये नहीं हमने टेस्ट करके भी देखना है उसको. ओके, हमने टेस्ट नहीं करके देखना. फिर जो बेसिस होते हैं बेटा, दे आर स्लिपरी टू टच. ठीक है, दे डिसॉल्व इन ऑयल्स और सोप्स. फिर ओएच एंड पे जाके मतलब ये जो भी आपका जो भी ये सोप या ऑयल होते हैं ना, जहाँ पे हाइड्रोक्सिल चेन लगी होती है वहां जाके जुड़ते हैं, ना कि बेस के साथ. तो ये हमारे को आएगा जब हम कार्बन एनिड्स कंपाउंड्स करेंगे. तो हम सिर्फ इसमें ये पढ़ेंगे, अभी ये समझेंगे कि दे आर डिसॉल्विंग इन ऑयल्स. ओके, अब इसमें क्या है, ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं एंड दे रिलीज, क्या रिलीज करते हैं बेटा? दे आर रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस. ओके बेटा, तो दे आर रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस. अब इनके जो कॉमन पॉइंट्स हैं दोनों की, दोनों में वो बातें ठीक होती हैं, वो क्या है? दे आर कोरोसिव इन नेचर. ओहो सॉरी, दे आर क्रोजिव. ओके, दे आर कंडक्टिव. एक्वस सोल्यूशन दोनों का कंडक्टिव होता है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखाते हैं. दे चेंज द इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स में इफेक्ट आता है, लेकिन वो कैसा इफेक्ट आएगा वो हमें नहीं पता है ना. एसिड के केस में इट विल बी ब्लू टू रेड, और बेसिस के केस में इट विल बी रेड टू ब्लू. तो आई होप आपको एसिड बेसिस जो है दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया. ठीक है जी? ओके,